आज डॉक्टर एमपी आ रही है कि जो शादी की सालगिरह जो मनाई गई है, तो किस तरीका से शुभकामनाएं देना चाहेंगे उन्हें? अरे साहब, उनके लिए लाख लाख इतनी बड़ी शुभकामनाएं कि शतक पार करें दोनों लोग और सब शतक पार करें और उनका जो है वो दिनों दिन उनकी तरक्की होती रहे, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दिनों दिन तरक्की हो। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर आर्या, रमेश गंगवार, भुजेंद्र गंगवार, विशाल गंगवार ये भी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आप किसे बेहतर समझ रहे हैं इनमें से? ऐसा है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है दावेदारी करने का। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करती है उसमें। नहीं, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है कि इनमें से कौन बेहतर रहेगा, कौन किसको टिकट मिलना चाहिए इस बार? व्यक्तिगत के लिए ये है कि सभी वैसे तो अपने हैं, कोई गैर नहीं है, मगर इसमें है डॉक्टर साहब का थोड़ा त्याग पार्टी के प्रति लंबे समय से रहा है। तो आप चाहते हैं डॉक्टर एमपी आर्या को इस बार टिकट मिले? हम चाहते तो हैं, मगर पार्टी के निर्णय से रुचि नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता, आज ये हमें तो यहाँ पे 10% भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब की बार ऐसा लग रहा है कि जितना युवा कार्यकर्ता है, डॉक्टर साहब इतने उत्साह से और उमंग के साथ डटा हुआ है, उन लोगों ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया, और जिसको हम लोग कहते हैं कि विस्मय, आश्चर्यचकित कर देना, उस तरह से कार्यक्रम किया और सबको घर पे आओ, घर पे आओ, यहाँ आगे पता चला कि डॉक्टर साहब की 40वीं वर्ष शादी की वर्षगांठ है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चार दावेदार सामने आए, जिसमें डॉक्टर आर्या, रमेश गंगवार, भुजेंद्र गंगवार और विशाल गंगवार। जी, तो किसे आप बेहतर समझते हैं पार्टी को, इस बार किसको टिकट देना चाहेंगे? पार्टी और राष्ट्र के हित में और तहसील के हित में, विधानसभा के हित में, मैं डॉक्टर साहब से बेहतर किसी को नहीं मानता। वजह क्या है ऐसी? वजह यह है कि डॉक्टर साहब ने वो सब कुछ देखा हुआ है, और डॉक्टर साहब सन मेरी नज़र में तो 72 से जुड़े हुए हैं संघ से, और जो संघ का आदमी है वो सेवा क्या होती है, सुशुवा क्या होती है, किस तरह से आदमी से सेवा की जा सकती है, और नीचे से उठकर ऊपर तक वो पहुँचे हैं, और सेवा का जो भाव है उनके अंदर, पैसा कमाने की ललक नहीं है। अगर डॉक्टर साहब के अंदर पैसा कमाने की ललक होती तो बहुत कुछ पैसा कमा सकते थे दलाली के माध्यम से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ही कोई नेता दलाली करता, लेकिन आप चाहते हैं डॉक्टर साहब को टिकट मिले? मैं चाहता हूँ नहीं, मैं नहीं, जितना युवा वर्ग है आज यहाँ नवाबगंज का, वो ज़्यादातर, और जो आरएसएस का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो सब ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को टिकट मिले, और डॉक्टर साहब निश्चित विजयी होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्र से चार दावेदार निकल के आए हैं, उनमें डॉक्टर एमपी आर्या सबसे बेटर और वेस्ट रहेंगे, क्योंकि वो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा क्षेत्र देखा हुआ है, सेवा भाव वो पार्टी में रहकर भी करते रहे, और वैसे भी वो लोगों के प्रति बीच में रहे, सेवा भाव करते रहे, और डॉक्टर एमपी आर्या ही सबसे बेस्ट प्रत्याशी रहेंगे। आपको उम्मीद है पार्टी इस बार उन्हें मौका देगी, टिकट देगी? पार्टी को टिकट का मौका देना चाहिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब भी विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जो पार्टी के स्टार प्रचारक बन के आए थे, पूरनलाल लोधिया, अन्य नेता, उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर एमपी आर्या को विधानसभा का टिकट किसी को दिया पार्टी ने, आप उन्हें जिताइए, और कार्यकर्ताओं में एक जोश भर गए कि हम डॉक्टर एमपी आर्या को लाल बत्ती देंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था। इस वजह से कार्यकर्ता पार्टी के साथ लग गया था पूर्ण रूप से। टिकट का बंटवारा तो पार्टी अपने स्तर से करती है, अगर कार्यकर्ताओं की माने तो डॉक्टर एमपी आर्या के अलावा कोई कार्यकर्ता किसी को सपोर्ट करेगा ही नहीं। डॉक्टर आर्या इसमें प्रबल दावेदार हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए, कार्यकर्ता पूरी नवाबगंज का कार्यकर्ता डॉक्टर साहब को चाह रही है। अच्छा, वजह ऐसी क्या है कि डॉक्टर साहब को टिकट मिले? डॉक्टर साहब ने पूरी जी जान से लगाया था, बहुत सालों हो गए बीजेपी को काम करते हुए, इस हिसाब से डॉक्टर साहब को टिकट मिलना चाहिए। लंबे समय से भाजपा में जुड़े हैं, इसलिए उन्हें टिकट मिलना चाहिए, ये आधार है। जी,